उसके बारे में क्या बताएं, बस ये है कि उनकी यादें याद रहेंगी हमारे साथ में, बस याद रहेंगी। बाकी उनकी कुछ फिल्में हैं जो कि यादगार हैं, वो बहुत पसंद आती थी। जब श्रीदेवी जी का नाम आता है सबसे पहले चीज़ क्या आती है? उनका बोलने का ढंग और फिल्मों में काम करने की। सबसे ज़्यादा मुझे फरिश्ते फिल्म में उनका चुलबुलापन बहुत अच्छा लगा था। जो सबसे ज़्यादा अमिताभ बच्चन के साथ, अमिताभ जी के साथ। बिच्छू लड़ गया वाला मुझे इंकलाब फिल्म का जो उनका फेवरेट सॉन्ग था मेरा उस टाइम पे जब आई थी फिल्म, इंकलाब फिल्म का बिच्छू लड़ गया वाला सॉन्ग। दो लाइन अगर उसकी आप बोल के दिखा दें। सारे बदन में जहर चढ़ गया, बिच्छू लड़ गया, बिच्छू लड़ गया। अच्छी एक्टर थी और उनकी हर एक फिल्म में देखता था, लेकिन आज उनके निधन होने पर मैं अपना दुख संकेत करता हूँ। श्रीदेवी की हर एक चीज़, जो डांस है, एक्टिंग है, वो सब बहुत अच्छा लगता था देख करके। अगर बात करें उनके गानों की, सबसे फेवरेट गाना आपको कौन सा लगता है? उनका फेवरेट गाना तो जैसे कि थोड़ा दिमाग में ये अपना चांदनी हो गया गाना। हाँ, चांदनी, ये गाना बहुत अच्छा था। हवा हवाई, और हवा हवाई करके था, वो भी गाना बहुत अच्छा था उनका। श्रीदेवी जास्ती करके क्या नाम, रजनीकांत के साथ जास्ती करके। इट वॉज अ वेरी शॉकिंग न्यूज एट नाइट एट 3 AM मॉर्निंग आई केम टू नो अबाउट इट व्हेन आई स्विच ऑन माय वी फेसबुक तो फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया एंड एवरी चैनल्स इट वॉज रियली शॉकिंग बिकॉज शी वॉज अ वेरी ड्रीम क्वीन चांदनी या सॉन्ग तो आई रियली लाइक उसका जोरू का गुलाम दैट सॉन्ग वॉज देयर राइट हाँ अनिल कपूर ऐसा कोई सॉन्ग जो आपको याद हो और आप दो लाइन बता दीजिए राइट नाउ आई डोंट रिमेंबर थैंक यू सिद्धू गुड एक्टर एंड लॉट ऑफ मूवीज एंड सॉन्ग्स एंड जिसमें उन्होंने एक्चुअली नागिन का रोल किया वो रोल बहुत ही पॉपुलर था और जितेंद्र के साथ जिसमें उन्होंने किया एक्टिंग वो गुड हवा हवाई मोस्ट पॉपुलर और हवा हवाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कितना मिस करने वाले बहुत बहुत एक्चुअली बॉलीवुड आज तो उनके लिए बहुत वेरी सैड मतलब आज का दिन उनके लिए बहुत दुख भरा रहेगा अच्छा एक ऐसे हीरो जो उनके साथ काफ़ी अच्छी पेयरिंग कर किया करते थे वही मेरे ख्याल से जितेंद्र के साथ उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया उनके साथ नागिन करके एक मूवी आई थी शायद उन्होंने वो सनी देओल के साथ किया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था